जिला चिकित्सालय गाजीपुर में तैनात डॉक्टरों की लापरवाही, मनमानी एवं वहां पर व्याप्त दुर्व्यवस्था के चलते इलाज में हुए देर से किशोर की जान चली गई। यह वाकया है गाजीपुर जिले के बिरनो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी एक होनहार युवक के सर्पदंश के बाद जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु पहुंचने का। मदनपुर गांव निवासी विकास यादव उम्र 17-18 वर्ष, इनको सर्पदंश के बाद गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय गाजीपुर ले जाया गया। वहां चिकित्सकों की लापरवाही से समुचित इलाज न होने से किशोर की मौत हो गई। इस वाकये से गांव में मातम छाया हुआ है। परिवार एवं गांव के लोग गमगीन हैं। होनहार की मौत से सभी लोग दुखी हैं। इस मामले में चिकित्सकों की लापरवाही एवं वहां पर व्याप्त दुर्व्यवस्था से किशोर की मौत होने से सभी में आक्रोश व्याप्त है। गाजीपुर जिले के बिरनो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी किशोर विकास यादव इंटरमीडिएट का छात्र था। वह अपने घर पर डेरे पर चौकी पर रात्रि में सोया हुआ था। सुबह उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोगों को सर्पदंश का आभास नहीं था। किशोर को भी जानकारी नहीं थी कि उसे सांप ने काट लिया है। तबीयत खराब होने पर स्थानीय चिकित्सक के यहाँ ले जाया गया। वहाँ स्थिति खराब होने पर बिरनो CSC पर ले जाया गया। वहाँ पर भी हालत में सुधार नहीं हुई तो परिवार के लोग जिला चिकित्सालय गाजीपुर ले गए। गाजीपुर में परिवार के लोगों ने बताया कि वहाँ पर तैनात चिकित्सकों ने समुचित इलाज नहीं किया, नहीं यह बताया कि इस किशोर की जो हालत बिगड़ी है वो सर्पदंश की वजह से बिगड़ी है। 2 घंटे वहाँ रहने के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोगों ने किशोर को लेकर जिला चिकित्सालय मऊ गए। वहाँ फातिमा चिकित्सालय में उसको दिखाया गया। फातिमा में चिकित्सकों ने बताया कि किशोर को सांप ने काटा है जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। अगर इसको पूर्व में यहाँ लाया जाता तो इसको बचाया जा सकता था। जानकारी और इलाज के अभाव में किशोर की मौत हो गई। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक CSC, PSC एवं जिला चिकित्सालयों पर सांप काटने की वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। इस मद में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। प्रत्येक CSC, PSC और जिला चिकित्सालय पर सांप काटने का वैक्सीन उपलब्ध कराकर लोगों की मौत रोकने का प्रयास यहां पे तैनात चिकित्सक विफल कर रहे हैं। यह लोग इलाज में लापरवाही कर रहे हैं और सर्पदंश के शिकार लोगों के पहुंचने पर समुचित इलाज कर रहे हैं, नहीं उनको यह आभास हो रहा है कि मरीज किस रोग का है। इस दुर्व्यवस्था के कारण सरकार के अथक प्रयासों पर स्वास्थ्यकर्मी पानी फेर रहे हैं जिससे बेमौत लोग मर रहे हैं। इस दुर्व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपका क्या नाम है? सुरेश यादव। ये क्या घटना हुई आपके घर पर? हमारा लड़का इसमें सो रहा था, रात में 2 बजे बताया कि पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द में हमारा जो है कि भाई, छोटे भाई साहब। तो लड़के का नाम क्या है? विकास यादव। उम्र कितनी थी? उम्र 12 में पढ़ रहा है। 12 में पढ़ रहे थे? 16-17 साल की हो। 18 वर्ष। तो रात में वो सो रहे थे इसी घर में जो बगल में स्थित है। सो रहा था। तो सुबह कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? सुबह मैंने 2 बजे की जानकारी हुई रात्रि में कि पेट दर्द कर रहा है, गैस बनाया है, गैस की दवा दिया गया। इसके बाद फिर नहीं आराम हुआ तो डॉक्टर को लोकल में दिखाया गया। वहाँ से आराम कुछ हुआ तो घर लाए। घर आने पर अचेत टाइप का हो गया। फिर दोबारा वहीं ले जाने लगे तो रास्ते में जो एम्बुलेंस का बुलाया गया था, तो एम्बुलेंस अगर अचानक वहाँ आ भी जाएगा तो वहीं बुला के दिखाएंगे, डॉक्टर से भी समझ करके हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहाँ से वो ले करके बिरनो गए, बिरनो से जिला चिकित्सालय। मतलब आप लोगों को आभास नहीं था कि सांप काटा है? नहीं, आभास कोई जानता नहीं था। लड़के ने बताया? नहीं, सोते वक्त ही काट लिया था। सोते वक्त जानकारी नहीं हुआ, जानकारी यही बस गैस बना। तो जिला चिकित्सालय गाजीपुर ले गए आप और सब उसका लक्षण बताया कि इसको ये परेशानी है, तो डॉक्टर ने या नहीं भाप पाए कि नहीं इसको सांप काटा है? नहीं, डॉक्टर भी नहीं बता पाए। जाँच हुई, ECG हुई तो बोला कि नहीं है, आप घर ले जाइए। तो घर लाने पर यहाँ से हुआ कि गुट पानी पी रहा है। हाँ। तो यहाँ से फिर लेके गए हम फातिमा
फातिमा में जांच हुई तो फातिमा में डॉक्टर बोला कि पेट दर्द कर रहा था, वहाँ पेट दर्द कर रहा था, गले में भी बता रहा था दर्द, हम गले में भी बता रहा था, आंख बंद थी, हम वहाँ बंद थी करके स्पष्ट वही है कि सर्प ही काटा है। मतलब फातिमा चिकित्सालय मऊ में आपको लोग बताया कि इनको सांप काटा है, सांप काटा है। बिरनो CSC या जिला चिकित्सालय पर सारे लक्षण देखने और बताने के बाद भी कोई डॉक्टर सांप काटना नहीं बताया? सांप नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि न सांप काटने का उपचार ही किए वो लोग। नहीं नहीं, अगर सही समय से उपचार हुआ होता लड़का बच गया होता, बचने के चांस थी। और फातिमा वाले भी बोले कि एक घंटा अगर पहले आए होते तो आपकी बचने की संभावना थी, ये स्पष्ट है कि सर्प काटा है। अच्छा, रात में 2 बजे सांप काटा, तब से आप दौड़ते रहे यहाँ वहाँ उपचार के लिए। मृत्यु कब हुई बच्चे की? मृत्यु यही हमको लग रहा है कि 10-11 बजे। फातिमा में 11 बजे पहुँचे आप? नहीं, फातिमा में तो पहुँचे हम 1 बजे। मतलब ज्यादा समय बीतने की वजह से ही मृत्यु हुई है, सही उपचार नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। लड़का पढ़ने उड़ने में ठीक था? पढ़ने में बिल्कुल होनहार लड़का था, हमारा आधा सेमेस्टर काट देता था, घर का सब काम काज वही करता था, कहीं जाते थे तो हमारा आश्रित था कि हम है नहीं तो भी है ना, किसी काम में भी गांव में भी जाता था, छिप कर जाता था, हम आता था फिर भी बोलते थे कहाँ गया था, हम इस गांव में तो फिर शांत हो जाते कि थोड़ा जाने दो, काम से गया था पूरा बता के जाया करो। 3 भाई थे लड़के? 3 भाई थे। ये चौथे नंबर का था? ये दूसरे नंबर का था। आप क्या करते हैं? हम गरीब हम भी रहते हैं, खेती बाड़ी किसानी करते हैं, यही काम है जी। अजय, इस जैसे आप बिरनो CSC ले गए हैं और जिला चिकित्सालय ले गए हैं और समुचित इलाज नहीं हुआ है बच्चे का, उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के अभाव में, तो कहीं आप इसका पत्र भेजेंगे इस दुर्व्यवस्था को लेकर, कहीं शिकायत करेंगे? क्योंकि आपके अलावा दूसरों के साथ भी ये घटना घट सकती है। घट सकती है, तो इसके लिए हम सहमत हैं। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? राम जी यादव। ये घटना क्या हुई आपके घर में? हमसे बताया कि पेट में दर्द हो रही है। कौन बताया? वही जिसको नाम क्या विकास यादव। आपके क्या लगते हैं? भतीजा। अच्छा, वो कब बताया कि पेट में दर्द है? हमसे 2 बजे करीब बताया, रात में। रात में कारण नहीं बताया कि क्या क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, ये नहीं बताया। तब आप क्या किए? क्या गैस बना रहा था, गैस का दवा दिया तो नहीं आराम मिला, फिर अजवाइन दिया, फिर अनेक डॉक्टर के यहाँ ले गए तो सुई दवाई दिए तो थोड़ा आराम मिला था, फिर एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस पे ले गए वहाँ बिनो पड़ाव पे, वहाँ लोग बोले कि सदर ले जाओ, सदर ले गए तो वहाँ बोले कि रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, 11-12 बजे रिपोर्ट मिलेगा इमरजेंसी में, तो हमको हमारा मरीज वो हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि 12 बजे रिपोर्ट मिले। कौन बजे पहुंचे थे सदर अस्पताल गाजीपुर? अरे हम करीब 8 बजे पहुंच गए थे, 9 बजे वहाँ। हाँ ठीक, उसके बाद? उसके बाद तो वो हम फिर वहाँ इमरजेंसी में दिखाया, हमको एक डॉक्टर साहब सुई दवाई दीजिए, अभी देखिए उनको, तब बाद में बोल रहे हैं कि मृतक हो गया है। कब बोले वो? 10 बजे करीब में। मतलब 8 से लेकर 10 बजे तक आप वहाँ चिकित्सालय में लेके परेशान थे, कोई उपचार नहीं किया गया? नहीं, बस खाली सुई दवाई को बस खाली वो। और ये अभी नहीं वो बताया कि इसको सर्प काटा है? नहीं, बाद में जब मृतक बाद में बोल रहे कि लग रहा है सर्प काटा है, बस यही बताया, लग रहा है ऐसा किए। मतलब आप